नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों और कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली, जो कांग्रेस जिला कार्यालय से पिसनारी बाग पेट्रोल पंप पर जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और कांग्रेसी मौजूदा सरकार को कोसते नजर आए और कहा कि वैसे ही किसानों पर सरकार द्वारा 3 वर्ष कानून थोपे जा रहे हैं, जिसका विरोध देश का किसान कर रहा है। इसी बीच पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से महंगाई दर और भी बढ़ जाएगी, जिससे छोटे तबके के लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है और ये गरीब तबका भुखमरी की कगार पर खड़ा हो जाएगा। वहीं देश की सरकार गरीबों के हित में दिख ही नहीं रही है और लगातार महंगाई दर बढ़ती जा रही है। महंगाई दर कम न होने पर कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस द्वारा जब एक जगह रोका गया तो कांग्रेसी वहीं बैठ गए और कहा कि हम अपना प्रदर्शन अपने रूट के हिसाब से ही कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन पूरा करने के बाद ही रुकेंगे, तब कहीं पुलिस ने कांग्रेसियों को रास्ता दिया। ये प्रदर्शन किया गया है, क्या क्या मांगे की कांग्रेस? मेरा नाम मुरली पाठक है, मैं NSUI का प्रदेश सचिव अभी नियुक्त हुआ हूँ। आज जो केंद्र में बैठी सरकार ने यह कृषि विधेयक पारित किया है और यह काला कानून जो किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है और लगातार किसानों की हत्याएं हो रही हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा किसान मर गए हैं भूखे, सर्दी की वजह से और कोरोना जैसे काल में। वो किसान अपनी लड़ाई आज भी दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है और देश के कोने कोने के गांव में लड़ रहा है। आज यह तानाशाह मोदी सरकार जो कि इस बिल को वापस नहीं ले रही, इसके विरोध में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हम लोग यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से लेकर पिसनारी तक निकाला गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ की और केंद्र सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन ने रोकने की भरपूर कोशिश की मगर वह नहीं रोक पाए और कांग्रेस पार्टी द्वारा यह सफल पदयात्रा निकाली गई। क्या मांगे हैं सरकार द्वारा, क्या मांगे हैं आपकी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से? हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जो यह काला कानून ये लेकर आए हैं यह तुरंत वापस ले और किसानों को जो उनकी मौत हुई है, जिन किसानों की सर्दी से और भूख से और दिल्ली में बैठे हुए, उन लोगों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ यह कृषि विधेयक जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं जो अभी तत्काल में मोदी सरकार बढ़ा रही है और पिछले एक महीने के अंदर इन्होंने 200 रुपये LPG गैस पर बढ़ाई है, यह कीमतें हैं, तत्काल वापस ले और जनता पर अत्याचार करना बंद करें। पतंगों को लेकर ये कांग्रेस ने यात्रा निकाली है। आज हमारी जो जय जवान जय किसान पदयात्रा है क्रांति आह्वान पर, जो 3 काले कानून, किसान विरोधी 3 काले कानून बिना चर्चा के सदन में पास कर दिए मोदी सरकार ने, तो आज पूरा देश का किसान सड़कों पर है। यानी 200 से अधिक किसान जो है अपनी जो है जान गंवा चुके हैं भूख और ठंड के कारण, लेकिन मोदी सरकार ने 2 मिनट का शोक भी नहीं किया संसद में। और आज पूरे देश में त्राई त्राई मची हुई है। आज महंगाई की मार देखिए, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कांग्रेस पार्टी इन 3 काले कानूनों का जोर से विरोध करती है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज हमारी जिला कांग्रेस कार्यालय से ललितपुर से पदयात्रा थी जो समाप्त हुई यहाँ पर सेवनी के पास, और हम कांग्रेसी यदि महंगाई कम नहीं होगी, यदि काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। किन बातों को लेकर ये यात्रा निकाली है? दीक्षा परमार, हमारा नाम है, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर, जो किसान विरोधी सरकार है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वादे पे वादे करते हैं, कोई भी वादा आज तक ऐसा है जो सच हुआ है? गैस के दाम बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से महिलाओं को दिक्कत हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जनता का क्या होगा? हम लोगों ने अपने कार्यालय से लेके और यहाँ पिसनारी तक पदयात्रा निकाली है और अगर गैस के और पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे तो हम लोग लगातार ऐसे ही संघर्ष करेंगे और सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसानों के साथ थे और हमेशा रहेंगे।